विभिन्न वार्डों के, पार्कों के, विभिन्न कार्यों के लोकार्पण समारोह में कोटा दक्षिण के लोकप्रिय विधायक माननीय संदीप शर्मा जी, इस वार्ड के वार्ड पार्षद, जिनके वार्ड में ये उद्घाटन होने हैं, श्री राम बाबू सोनी जी और श्रीमती रेखा गोस्वामी जी, नगर निगम के वार्ड में प्रतिपक्ष के नेता श्री वेग राजवंशी जी, जिस वार्ड में कार्यक्रम हो रहे हैं उस वार्ड की वार्ड पार्षद पुष्पा चौधरी जी, हेमराज हाड़ा जी, सुदर्शन गौतम जी, कविता पछवारिया जी, नगर निगम के कमिश्नर राजेश जागा जी और सभी वार्ड के वरिष्ठ जन प्रतिष्ठित नागरिक बंधु माता बहन, शहर का किस तरीके से नियोजित विकास हो, लोगों के आम जन की आवश्यकताओं के अनुसार उनकी अपेक्षाएं आकांक्षाओं के अनुसार विकास के काम होते हैं तो शहर का एक नियोजित विकास होता है। भारत सरकार ने 100 स्मार्ट सिटी के परियोजना के तहत उनका लक्ष्य था कि ऐसे 100 शहर स्मार्ट सिटी शहर बने, उसमें कोटा शहर भी एक स्मार्ट सिटी शहर था जिसमें सबसे पहले लोगों की मूलभूत आवश्यकता है, उस शहर में जो अभाव है, पीने का पानी का अभाव, सीवरेज की समस्या, घर से बाहर निकलने वाले रोड, आवागमन के संसाधन, ताकि एक स्मार्ट शहर के अंदर लोगों के रहने के साथ उनके रोजगार के सृजन के साधन भी उपलब्ध हो, इस दिशा में सरकार ने योजना बनाई। जब योजना का प्रारूप बना तो उन इलाकों के अंदर सबसे पहले जहां पर चंबल के किनारे पर रहने के बाद भी लोगों को पानी नहीं मिलता था, उसकी योजना बनी। सरकार आई, उस 150 करोड़ की योजनाओं को परिवर्तन कर दिया। जो शहर के अंदर, जिन इलाके के अंदर सीवरेज की समस्या है, उन सीवरेज की समस्या का समाधान, सीवरेज की समस्या का समाधान का पैसा लगा जाए, सीवरेज की समस्या नहीं, जहां सीवरेज है वहां सीवरेज डाली तो सीवरेज डालने में जो करप्शन हुआ जिसके कारण करोड़ों रुपए खर्च हुए लेकिन उस सीवरेज का लाभ नहीं मिला, इसकी किसी ने चिंता नहीं। भाई इसमें फिर प्लान बन गया, लेकिन प्लान बनते समय फिर जो पहले की सीवरेज लाइन क्यों नहीं चली, क्यों उसका उपयोग नहीं हुआ, इसके बारे के अंदर न चिंतन हुआ, न जांच हुई, न ठेकेदार को पनिशमेंट हुआ, न इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई। मुझे पता है कि 2003 से मैं कोटा शहर में चुनाव लड़ रहा हूं। जब स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बना था तो हमने कहा था कि सबसे पहले लोगों को पीने की मूलभूत आवश्यकता है, लोगों को 3 मंजिल तक पीने का पानी पहुंचना चाहिए।
उसकी डीपीआर को चेंज किया। फिर मैंने कहा वो इलाके जो हाउसिंग बोर्ड के इलाके हैं, जो बरसों पहले हाउसिंग बोर्ड ने बनाया था मकान, लेकिन बनाते समय उनका ये विजन नहीं था कि 30 साल पहले 40 साल पहले बाद या 20 साल बाद 15 साल बाद या 10 साल बाद या 5 साल बाद भी जिन मकानों को हम बना रहे हैं उन मकानों के साथ सीवरेज, पीने का पानी, रोड कनेक्टिविटी, नालियां, जब कोई शहर का प्लान बनता है तो प्लान बनाते समय उसका नियोजन इस तरीके से होता है कि अगले 50-100 साल तक वहां पर लोगों को पीने का पानी मिल जाए, सीवरेज की समस्या का समाधान हो जाए, बरसात में अगर पानी आ जाए तो उसकी निकासी ठीक हो जाए, वहां पर जो पार्क है उसका डेवलपमेंट का पार्क ठीक हो जाए, प्लान ठीक हो जाए, एक बहुत नियोजित प्लान होता है। आपने कई शहर देखे होंगे जो राजाओं के राज के बने हुए हैं लेकिन आज भी उनमें कोई कमी नहीं निकाल सकते। किस समय उनका विजन होगा कि अगले 100 साल में आबादी कितनी होगी, उस हिसाब से उन्होंने रोड की लेंथ लेने का काम किया। अब चले जाओ इस गली के, इस वार्ड के, इस कोने के अंदर एक गाड़ी घुस जाए तो दूसरी गाड़ी नहीं कर सकते। सीवरेज की समस्या का समाधान है। ये नियोजित प्लान नहीं बनाते समय इसी तरीके से कोटा शहर के अंदर एक इलाके के अंदर 1,000-2,000 करोड़ रुपया लगाकर सारा धन वहां खर्च कर दिया, दूसरे इलाके में फिर 500 करोड़ लगा दिया, बाकी सब पीने के पानी के लिए तरसते रहे, रोड के लिए तरसते रहे, लाइट के लिए तरसते रहे। ऐसे शहर का विकास ठीक नहीं है। राजनीतिक पक्षपातों के आधार पर शहर का डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता। डेवलपमेंट करने के कारण एक विजन होता है कि आने वाले 100 साल बाद भी मेरा शहर कैसा होगा, उस विजन से डेवलपमेंट का प्लान करें तो शायद ठीक से योजना बन जाए। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जो नए शहर बन रहे हैं, नए कॉलोनी बन रही है, उन कॉलोनीज की भी हालत है कि नगर विकास ने आज कॉलोनी बना ली, वहां पता चलता है कि 3-4 मंजिल मकान बना दिए, लोगों को पीने का पानी, सीवरेज का सिस्टम नहीं, लाइट नहीं। वहां के लोग हमारे पास आते हैं कि हमने यूआईटी ने मकान बनाया, हम 3 मंजिल हमारी महिलाएं पानी लेकर कैसे चढ़ेगी छोटे मकान। नगर विकास न्यास सरकार जो काम करे उस पर जनता का विश्वास भरोसा होना चाहिए। अगर हम पीने का पानी दे रहे हैं तो पीने का पानी ऐसा होना चाहिए जिसकी क्वालिटी कितनी भी आप चेक करो, एक विश्वास भरोसा लोगों का होता है कि सरकारी काम है, सरकारी कॉलोनी ठीक बनी होगी, सारी सुविधाएं मिलेगी होगी, इस अपेक्षा से आदमी मकान खरीदता है। और इसीलिए आज भी इतने विकास के खर्च करने के बाद भी आज भी शहर में कुछ मूलभूत सुविधाओं का कागज हमारे पास पहुंचे, ये चिंता का विषय। हमारी चिंता ये कि आप 2,000-5,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन लेकर बाबा आता है कि बाबा हमारे यहां पे रोड टूट रहा है, हमारे यहां सीवरेज की समस्या है, पीने का पानी नहीं पहुंच रहा, हमारे बच्चे जो प्रदेश से अलग अलग जाते हैं, हम सबके बच्चे हैं, कोटा में पढ़ने वाला हर बच्चा है हमारा है, हम उसके अभिभावक हैं, उसको पीने का पानी ठीक मिले, पीने के पानी के कारण कोई बीमार ना हो, कोई मरे ना, ये चिंता हमारी है। और उठा के उस पैसे को दूसरी जगह ले, इसलिए वक्त का परिवर्तन का इंतजार करो, समय परिवर्तनशील है, इस तरीके का नियोजन विकास होगा कि आपको अगली बार कोई एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ेगी कि हमारा ये काम बकाया है। हमारा लक्ष्य होगा कि ठीक से जहां व्यक्ति रहता है
जहां बस्ती नहीं बसी वहां रोड बना दो, किसके लिए बना रहे हो? वहां 200 फीट रोड बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? जहां लोग रहने वहां रोड नहीं, जहां लोग बसने वाले भी नहीं भविष्य में, वहां रोड पहले से बन जाते हैं। पहले जहां लोग बसते हैं उनकी रोड अच्छे हो, उनकी नाली की निकासी ठीक हो, उनका सीवरेज का सिस्टम ठीक हो, उनको पानी की व्यवस्थाएं पूरी हो, उनकी बिजली की व्यवस्थाएं पूरी हो, उनके पार्क ठीक हो, उनके लिए व्यायाम करने के लिए ठीक हो, ये सब काम करने की आवश्यकता है। कुछ लोग सरकार उनकी है, जिम्मेदार है, काम करना नहीं चाहते, समस्याओं को समाधान नहीं करना चाहते। ऐसे कार्यक्रमों का कुछ नहीं लाभ जिससे समस्या का समाधान, सरकार आपकी है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, मानो विधायक है तो विधायक की जिम्मेदारी बनती है समस्या के लिए लड़े, और नहीं तो विधानसभा अपनी बात को कहे, और फिर भी नहीं होता है जनता को लेकर संघर्ष करे। जो बुनियादी सवाल है उन बुनियादी सवालों को जनता के साथ मिलकर उठाना चाहिए, हमारी हर समस्या का समाधान हमारी करने की जिम्मेदारी है। आप निश्चित मानिए हमारी कोशिश है कि जो जो अभाव हैं उन अभावों को कैसे किया जा सकता है उसके लिए ठीक से योजना बनाएंगे, और पूरी योजना बनाकर समय बदलने के बाद एक प्लान करके पूरे कोटा शहर को न उत्तर न दक्षिण न नाड़पुरा एक शरीर को कई भागों में बांटा नहीं जा सकता, अंगों को बांट दोगे तो सब अंग मिलकर साथ काम करेंगे तो साथ काम होगा, एक हाथ में कम काम एक हाथ में ज्यादा काम होगा तो फिर वह दोनों हाथ ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, दोनों हाथ कब काम आएंगे तो समानता के आधार पर काम हो, सबका सबका समान, सबका विकास, सबका विश्वास, यही हमारा नारा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।